कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं नैना देवी के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी के समय किसी भी राजनीतिक दल को राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अपने आवास में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान रामलाल ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार को कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे सभी कर्मचारियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को पुलिस तथा होमगार्ड के जवानों को भी बीमे की कवर के दायरे में लाना चाहिए ताकि ये जवान अपनी ड्यूटी को दुगने जोश के साथ कर सकें। उन्होंने बताया कि पुलिस के जवान नाकों पर तैनात हैं तथा उन्हें कई बार चेकिंग के दौरान फिजिकली भी लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पुलिस व होमगार्ड के जवान दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं तथा दिल्ली में पुलिस के लगभग 70 जवान इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। रामलाल ठाकुर ने पुलिस व कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों के काटे गए डीए को भी गलत करार दिया तथा प्रदेश सरकार से इस बारे में पुनर्विचार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इन कोरोना योद्धाओं को आर्थिक लाभ देने के लिए स्पेशल अलाउंस की घोषणा करनी चाहिए। प्रदेश सरकार से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों को अपने फोन उठाने के प्रति वे सख्त निर्देश जारी करें। उन्होंने दूसरे राज्यों से लाए जाने वाले लोगों की पूरी स्वास्थ्य जांच करवाने की भी मांग की तथा कहा कि बैरियर पर प्रदेश सरकार ने आयुर्वेदिक विभाग के फार्मिस्ट व पैरामेडिकल स्टाफ को तैनात किया है। ऐसे में इन बैरियरों में होने वाले स्वास्थ्य जांच का अंदाजा सहजता से ही लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो आशा वर्कर व फैमिली हेल्थ वर्कर केवल लोगों से स्वास्थ्य जानकारी एकत्रित कर रही हैं। पर मैं इसमें एक मुद्दा है जिसको मैं माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी लाना चाहूँगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि हिमाचल सरकार ने जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है या हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको जो है वो 50 लाख रुपए का जो है वो मुआवजा जो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसके अधीन जो है वो डिक्लेयर किया है। पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मरीज हॉस्पिटल में जाता है तो हमारे जो हॉस्पिटल में जो कर्मचारी हैं या जहाँ पे उन मरीजों को रखा जाता है जो जो जगहें चिन्हित कर रखी हैं उनमें उन पेशेंट्स को रखा जाता है तो रेगुलरली हमारे जो डॉक्टर्स हैं या हमारे जो पैरामेडिकल स्टाफ हैं वो ड्यूटी पे तैनात रहते हैं। ऐसे में कहना चाहूँगा कि जैसे पुलिस कर्मचारी हैं या होम गार्ड के जो जवान हैं जिनको तैनात किया गया है पुलिस बल के साथ, मैं कहना चाहूँगा कि उनका भी उतना ही महत्व है। और आज अगर देखा जाए कोई 70 जो पुलिस कर्मी है वो दिल्ली में इस बीमारी से संक्रमित हुए हैं। तो मेरा कहने का ये है कि हिमाचल सरकार जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट के कर्मचारियों के लिए ये जो 50 लाख रुपए का जो है वो जो इंश्योरेंस पॉलिसी करने का जो निर्णय लिया है, अच्छा होता कि उसमें हमारे पुलिस और होमगार्ड के जो जवान हैं उनको भी शामिल कर दिया जाता। क्योंकि होता यह है कि मान लो कहीं पे कोई कोई बीमार है, संक्रमित है, तो उसको पुलिस जो है वो नाके पे उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं और कई बड़े हॉस्टाइल पेशेंट हैं जो पुलिस वालों से जो है भी लड़ाई मोल ले लेते हैं, डॉक्टरों से भी लड़ते हैं। और अगर मान लो वहाँ पे जहाँ पे चेकिंग हो रही है वहाँ पे तो सबसे पहले क्योंकि पुलिस का जवान होगा तो वो फिजिकली भी उनको जो है वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये खतरा उनके ऊपर भी बना हुआ है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया करके